उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र समेत मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांगा, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में मतदान हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदान पर नजर बनाए हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए राजधानी लखनऊ के CSI टावर में बने पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लेते हुए मतदान किया। मगन के उपरांत हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा के साथ खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों में मतदान हो रहा है और खुद उत्तर प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा सर मतदान करने पहुंचे हैं। सर, आप मतदान करने पहुंचे हैं? जी, मैंने मतदान कर दिया है और मैं सभी वोटर्स जो 5वें चरण में आज जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग वोट डालने जरूर आए अपने बूथ पर समय निकाल के, और आपको बेहतर व्यवस्था मिलेगी पहले के इलेक्शंस के मुकाबले में, और आप इस चुनाव के पर्व को पर्व की तरह बनाएं। आज सभी जगह छुट्टी इसीलिए की जाती है कि सब लोग आराम से आके अपना वोट डाल सकें बिना किसी बाधा के, और इसी तरह पूरा वातावरण बाधा रहित बनाने का प्रयास किया गया है, फैसिलिटेट करने का प्रयास किया गया है। सभी जगह एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशंस पे दी गई हैं, छाया, पानी, शौचालय, साइनेज, वोटर असिस्टेंस बूथ, इस सब की व्यवस्था की गई है। मुझे उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश में जो 5वें चरण में मतदान प्रतिशत 2019 में इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत था उससे बेहतर कर पाएंगे। आपसे कुछ ही देर बाद अगला वोटिंग परसेंटेज अभी 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज ठीक रहा सर? 9 बजे तक लगभग 14% रहा है और एनकोर में थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि कुछ ARO एंट्री नहीं कर पाए थे समय से, बट वैसे पहले के चरण के मुकाबले में 14% अच्छे भी माना जाएगा और आगे आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि स्पीड बनी रहेगी। EVM को लेकर बहुत शिकायत आई उत्तर प्रदेश की, जो 14 लोकसभा सीट उसको लेकर सुबह से ही शिकायत चल रही है? नहीं, कुछ ज़्यादा शिकायतें नहीं है, जो एवरेज शिकायतें होती हैं, जो टोटल पोलिंग स्टेशन, अब आज चूँकि सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र आज हैं 5वें चरणों में, आज 14 लोकसभा क्षेत्रों का 28,688 पोलिंग स्टेशन पे है, सो चूँकि पोलिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं तो मशीनों की संख्या भी बढ़ती है, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो हमारा बहुत ही कम प्रतिशत में ख़राब हो रहा है क्योंकि हमने कमिश्निंग में काफ़ी बेहतर ढंग से तैयार की थी मशीनें, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मशीनें ज़रूर ख़राब होती हैं और इसके लिए हम तैयार रहते हैं और रिजर्व में मशीनें रखते हैं। एक आखिरी सवाल, इस बार कुछ नया प्रयोग किया आपने मल्टी स्टोरीज में, अपार्टमेंट्स में उस पोलिंग बूथ बनाए आप लोगों ने? देखिए, अर्बन एपैथी को दूर करने के लिए शहरी वोटर्स में कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, इसके लिए इस बार एक नया प्रयोग किया गया था कि गेटेड हाउसिंग सोसाइटी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जहां पर्याप्त संख्या में लोग रहते हैं, वोटर हैं, वहां उनके लिए अलग से उसी बिल्डिंग में, उसी सोसाइटी में एक बूथ बनाया जाए। इसके तहत हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक बूथ बनाए, जिसमें लखनऊ में भी कुछ बूथ बनाए गए। ऐसा ही ये बूथ CSI टावर का है, जहाँ इसी टावर के सोसाइटी के अंदर जो वोटर रह रहे हैं उनके लिए एक बूथ बना दिया गया है, और जब ये चुनाव समाप्त होगा तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ये देखा जाएगा कि ये प्रयोग कितना कारगर हुआ मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में, और अगर इसके नतीजे बेहतर होंगे तो इस प्रयोग को बढ़ा के और ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाए। स्टोरी और अपार्टमेंट को लेकर जो इस बार प्रयोग किया गया है वो काफ़ी खास रहा है, और अगर इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो आगे भी इसको ले जाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और अभी तक 9 बजे की बात की जाए तो लगभग 14% मतदान बढ़ चुका है और लगातार उत्तर प्रदेश में मतदान जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो 14 चरणों में मतदान हो रहा है उसमें नवदीप रिड़वा जो कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भी हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं मतदान करने लखनऊ पहुंचे थे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितिन सिंह, ANN News।